सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक्चुअली, जो कि है हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम, जिसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। बट चूंकि हम ये फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं ग्रीडी के बारे में बताना चाहूँगा, एंड देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली इज ग्रीडी, क्या होता है ग्रीडी? तो एज द नेम सजेस्ट, हमें कुछ लालच के साथ यहाँ पर काम करना होता है। तो हमारे पास जो सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन होता है उसमें हम बात करते हैं, सबसे छोटे तरीके से हम काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं। बाय एन एग्जांपल, इफ आई से लेट से मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, और मेरे पास कई सारी रोड्स हैं, इधर है, इधर है, इधर है, एक इधर ऐसे जाके है, तो मैं कौन सी प्रेफर करूँगा, विच इज़ शॉर्टेस्ट, ठीक है, एंड विच इज़ ऑप्टिमल। तो सिंपली दैट। फिर बेसिकली हम अपने इसमें स्टार्टिंग डिसीजन को कभी भी रिवर्ट नहीं कर सकते। टेक्निकली अगर मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, तो अब देर इज़ नो वे गोइंग बैक एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, सो वी नेवर रिवर्स इन दिस, हम कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते इसमें। जो हमने पहले डिसीजन ले लिया, अब वही हमारी आगे की लाइफ को डिसाइड करेगा, क्वेश्चन की लाइफ को डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, तो एक ऊबर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने कोई भी कैब अगर बुक की, तो जो भी शॉर्टेस्ट लोकेशन पे होगी वो आपको अलोकेट कर दी जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग सिमिलर टू ग्रीडी, नॉट एग्जैक्टली ग्रीडी, बट समथिंग सिमिलर। ठीक है, तो एक ट्रेड ऑफ ज़रूर रहता है इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में विद ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिखता पास में है वो होता नहीं है, जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है। बैक ट्रैकिंग में हमने देखा है कि अगर हमने किसी को पहले क्वीन में या सुडोकू में भी देखा है कि अगर हमने पहले कहीं पे वन डाल दिया, हमें बाद में पता चला था नहीं यार ये तो गलत था हमारा पहले वाला डिसीजन, तो हमें चेंज करना है, तो वो इसके अंदर नहीं हो सकता। तो वो एक ट्रेड ऑफ ज़रूर से रहता है। तो आई होप ओवरव्यू सा क्लियर हुआ होगा ग्रीडी का, कि व्हाट इज़ ग्रीडी। इन डेप्थ में आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन और पढ़ सकते हैं, बट आई एम हियर टू डू क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, हाइएस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक अपने को एरर ऑफ इंटीजर्स गिवन है, रिटर्न द हाइएस्ट प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग थ्री डिजिट्स इन द एरे, जो तीन नंबर हैं, और द सोल्यूशन है यानी कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो 32 बिट इंटीजर में होगा, तो हम इंटीजर रख सकते हैं। ओके, तो हमें तीन नंबर्स का मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, इसके अंदर से तीन नंबर्स उठाने हैं और वो मैक्सिमम होने चाहिए। ओके, सो व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द वेज टू डू दिस, लेट से 1, 6, 4, 2, 8, कुछ ऐसा है। तो व्हाट आर द वेज, मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रूट फोर्स, आई को शुरू करूँगा, जे को यहाँ से शुरू करूँगा, के को यहाँ से, तीन का लूप लगाऊंगा, आई जे के को मल्टीप्लाई करूँगा, आई जे के को मल्टीप्लाई करूँगा, आई जे के को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर आई को यहाँ पे, जे को यहाँ पे, के को यहाँ पे, आई जे के को मल्टीप्लाई करूँगा, आई जे के को मल्टीप्लाई करूँगा, सिमिलरली फॉर दिस 4, 2 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एन क्यूब का लूप बन जाएगा और उससे हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। लेट्स मेक इट मोर ऑप्टिमल, ज़्यादा ऑप्टिमल बनाते हैं इसको। कैसे बना सकते हैं? सॉर्ट कर देते हैं, 1, 2, 4, 6, 8, जो लास्ट के तीन नंबर होंगे वो मेरे को मैक्सिमम दे देंगे, राइट, मैक्सिमम नंबर दे देंगे। बट एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे? लेट से यहाँ पे -100 और -50 भी होता और 1, 2, 4, 6, 8 होता, तो क्या अब ये मेरे को मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा, 4 × 6 × 8? नो, इट वॉन्ट डू दैट। ठीक है, 100, 50 और 8, ये मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट देगा, राइट। तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, बट मेरे पास दो ऑप्शंस बनेंगे, कि मैं लास्ट के तीन यानी कि max 3 उठा लूँ, और या फिर मैं first 2 negatives उठा लूँ, minimum 2, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मैक्स। तो इन दो में जो भी मेरे पास आंसर सही होगा उसको हम बोल देंगे minimum 2। minimum 2 ही क्यों लिया, minimum 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 negative को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो समझ में आती है बात। तो ये अप्रोच कितनी होगी, n log n की। ठीक है, अब क्या हम इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या हमें सॉर्टिंग की एक्चुअली ज़रूरत है? थोड़ा सा इस पे सोचना, क्या हमें सॉर्टिंग की एक्चुअली ज़रूरत है? हमको निकालने हैं मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2, और एक मैक्सिमम तो इससे आ ही जाएगा। ठीक है, हमें ये दो तरीके से निकालना है, 2 मिनिमम निकालने हैं और 3 मैक्सिमम निकालने हैं। क्या हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत है?
नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम हर जगह पे जाके बोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फर्स्ट थ्री मैक्सिमम निकालना हमें आता है, फर्स्ट टू मिनिमम निकालना हमें आता है, तो वही करते हैं सिंपली, एंड लेट्स मेक द आंसर। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। ये तीनों अप्रोच क्लियर है, मैं इसका कोड कर रहा हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ARR। ठीक है, मैं मिनिमम बना ले, मैक्सिमम बना ले रहा हूँ पहले। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम की वैल्यूज़ हैं, इन ऑर्डर ऑफ ए बीइंग द फर्स्ट मैक्सिमम, बी बीइंग द सेकंड मैक्सिमम, सी बीइंग द थर्ड मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम बना ले रहे हैं डी और ई नाम से। ठीक है, अगेन इन द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ये हमारा डी सबसे छोटा मिनिमम होगा और सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, और ई उससे कम मिनिमम होगा। ओके, आइट्रेट करते हैं अपने एरे पे। ठीक है, अगर लेट से जो मेरा आई टी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सारे के सारे वैल्यूज अपडेट होंगी, राइट? लेट से फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास 1, 2 और 3 ऐसे मैक्सिमम थे, और अब मेरे पास 4 आ जाता है आई टी में, तो मैं क्या करूँगा? मैं 2 को बोल दूंगा अब तुम थर्ड मैक्सिमम हो, और ए है एक्चुअली ये, और ये बी है और ये सी है। ठीक है, और बी को बोलूँगा अब तुम सी के बराबर हो, और सी को बोल दूंगा अब तुम सबसे मैक्सिमम हो गए। ठीक है, ऐसे अपडेट करना पड़ेगा ना मुझे इन ऑर्डर ऑफ एरर की। वन अपडेट बाय मिस्टेक, सी बी एंड ए, ये था। ठीक है, ए को हमने मैक्सिमम बोला, तो हम क्या बोल देंगे? सी को बोलो बी में डाल दे। ठीक है, जो बी की वैल्यू थी अब वो सी में चली जाए, बी के अंदर क्या चले जाए? जो ए की वैल्यू थी, और ए के अंदर क्या चले जाए? आई टी, राइट? एल्स इफ लेट से वो आई टी जो है मेरा, लेट से ये 10 होता और मैं बोल दूँ अब 6 आ रहा है, तो अब क्या है? बी और सी अपडेट होंगे, ये तो अपडेट होगा नहीं, तो क्या करूँ? आई टी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर बी है तो। ठीक है, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं जस्ट ही करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को बोलेंगे तू बी के बराबर हो जा, बी को बोलेंगे तू आई टी के बराबर हो जा। सी बी के बराबर हुआ, ये 3 हो गया, बी आई टी के बराबर 6 हो गया। ओके, वन लास्ट केस कि हम बोलते हैं कि आई टी जो है मेरा सी से बड़ा है, बराबर है। ठीक है, वैसे बराबर पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओके, लेट्स से यहाँ पे 4 है, तो अब ना बी अपडेट होगा ना ए, जस्ट सी अपडेट हो जाएगा, सी इक्वल टू आई टी। तो हमने 3 मैक्सिमम तो निकाल लिए भाई साहब, है ना? और अब हमें निकालना है क्या? मिनिमम। तो आई टी अगर मेरा लेस देन इक्वल टू डी है, ठीक है, अगर ये मिनिमम है, तो मेरे को क्या करना है? अगेन मैं यहाँ पे मिनिमम की बात कर लेता हूँ, मिनिमम इन टर्म्स ऑफ मैं नेगेटिव भी की बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल दो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो -100 बोल देते हैं, और या -1 बोल देते हैं, और -3 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे था, अब हमने बोल दिया और ये ई होगा और ये डी होगा। ठीक है, डी इज़ द मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, तो आई टी अगर डी से भी छोटा है, इसका मतलब लेट से मैंने -5 लिया, ठीक है, ये डी से भी छोटा है, राइट? तो मेरे को इसको अपडेट करना है, -3 को ई को अपेंड करना है, ऐड असाइन करना है, और अपने डी को आई टी में असाइन करना है। सिमिलरली अगर सिर्फ मेरे को ये अपडेट करना है, ई अपडेट करना है, तो मैं क्या क्या बोलूँगा? आई टी लेस देन इक्वल टू ई होता तो हम क्या बोलते हैं? ई को आई टी करते हैं। तो मेरे पास 3 मैक्सिमम बन चुके हैं, 2 मिनिमम बन चुके हैं। आंसर बनाते हैं, आंसर से अब 2 तरीके से बनेगा, 3 मैक्सिमम से और 2 मिनिमम और 1 मैक्सिमम से, राइट? तो मैं ज़रा सारे चेक्स लगा लेता हूँ ताकि मेरा ओवरफ्लो ना हो जाए, कि ए मेरा इंट मिनिमम नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बना ले रहा हूँ पहले, पॉजिटिव मैक्सिमम, एंड ये बी भी इंट मिनिमम नहीं होना चाहिए, सी भी इंट मिनिमम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? आंसर इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ऑल्सो इफ जो मेरा डी है वो इंट मैक्स के बराबर नहीं होना चाहिए, ई जो है मेरा इंट मैक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। आंसर ऑल्सो ऑल्सो जो मेरा मैक्सिमम है विच इज़ डी, वो भी इंट मिनिमम के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या बन गया? डी इंटू ई इंटू ए, शुड बी ए। ओके, तो डी ई और ए भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट हमको चूंकि हमने एक मैक्सिमम बना लिया होगा होपफुली, तो हम इसको कंपेरिजन में डालेंगे, ना कि डायरेक्ट अपेंड करेंगे या असाइन करेंगे। ठीक है जी,
और फाइनली आंसर को रिटर्न कर देंगे. लेट्स टेस्ट दिस. गुड इनफ. सबमिट करते हैं. बढ़िया. आई होप दिस इज क्लियर एंड ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तीनों अप्रोच समझ में आई होंगी. ब्रूट फोर्स टू सॉर्टिंग टू दिस वन. सॉर्टिंग से हम इस वाली अप्रोच पे आए कि ओह हमें तो जरूरत ही नहीं है यार सॉर्टिंग की, अगर हमें मैक्स तीन मैक्सिमम और दो मिनिमम निकालने हैं तो. राइट. होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. आप इस पर थोड़ी सी टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि किस केस में कैसे बनेगा. एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना. इंस्टाग्राम लिंक के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. फॉलो कर सकते हो. बाय बाय.